देख लिया बेटा? जी। जब पहन के तुम नीचे ही आ जाते हम भी देख लेते, कोई मसला तो नहीं ना इसके साथ? नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसे वापस करवा दीजिए प्लीज। क्यों, क्या रंग नहीं पसंद आया? नहीं वो बात नहीं है। फिर क्या बात है, इरादा तो नहीं बदल गया फिर से? हाँ बदल गया है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या 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 कहा तुमने? अम्मी जान मैं कह रहा हूँ मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों जैन, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्योंकि मुझे फौरन फ्रांस वापस जाना है। जोसेफ सर ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फौरन मुझे काम पर बुलाया। ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें ऐसी क्या बात है? तुमने तो डरा ही दिया था। शादी कौन सा एक साल के बाद हो रही है बेटा, जुमे को निकाह है, तुम इतवार की सीट्स करा लो। नहीं मुझे कल ही वापस जाना होगा। आप प्लीज उनको शादी से मना करवा दीजिए। क्या क्या कहा तुमने? मतलब ये कोई गुटे गुड़िया का खेल खेल रहे हम, जो मैं जाके इनकार कर दूं? सोचा भी कैसे तुमने ये? मैंने तो कहा था आपको, जैन भाई को नखरे उठवाने की आदत हो गई है, अब फिर से बैठ जाए इनके पैरों में और मिन्नतें करे, शायद इनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए। चुप करो बतूल, जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? और अम्मी जान के होते हुए तुम फैसला करने वाले कौन होते हो जैन? उसकी जिंदगी का फैसला उसे करने दो ना, जबरदस्ती करोगे तुम? आप चुप रहे, ये भाई बहन का मामला है, अपने फलसफे जो है अपने पास रखे, वरना आप ही प्लीज प्लीज माजद भाई से लड़ना बंद कीजिए। मैं कल फ्रांस जा रहा हूं एंड दैट्स फाइनल, आगे आप लोगों की मर्जी। चलिए माजद भाई। सर ये सब तुम्हारे मियां का किया था, अब मैं इसको कैसे भुगतूं? कितनी मुश्किलों से ये मामला किया था,